हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मोदी जी पर हमलावर राहुल गांधी के अरमान की धज्जियां उड़ गई। अभी हमने एक वीडियो किया था जिसमें हेमंता जी का, उन्होंने क्या इनकी धज्जियां उन्होंने भी उड़ाई, बताया कि क्यों पनौती शुरू किया राहुल गांधी ने, क्योंकि नहीं करते तो इनकी पनौती, ये खुद पनौती बन गए होते, तो खुद ही ऐसा कुछ बोले थे, देखना वो वीडियो। और उसकी वजह से, और उन्होंने और भी बहुत कमाल की बातें बोली हैं, उस वीडियो को देखो भैया। मैं तो हैरान थी कि उसमें इतने लोग आए क्यों नहीं, संडे की वजह से नहीं आए क्या? वो तो इतनी कमाल की वीडियो थी, सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई मद्रासा से रिलेटेड सब कुछ, मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में बहुत फ्रैंकली बोलते हैं, सच बोलते हैं। तो चलो वीडियो देखते हैं, इसमें भी क्या चल रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाठशाला में आज वैसे वो भी चैप्टर है कि कैसे 237 साल पहले किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर होने की भविष्यवाणी की है। लेकिन उससे पहले आज क्या हो रहा है वो भी आपको बताऊं। ममता बनर्जी हो या कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, कोई भी ये नहीं चाहता कि उनके खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ कोई जांच हो। इसलिए खुद को बचाने के लिए वो हर जांच को राजनीतिक नाम देने का प्रयास करते वो तो है। जबकि ऐसे मामले में जिसमें जांच हो रही है, सच सामने आ रहा है, उन मामलों की जांच को लेकर विपक्ष राजनीति करने लगता है। करने दो। जैसे उद्योगपति गौतम अडानी का मामला, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार गौतम अडानी को बचा रही है। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिससे विपक्ष का एजेंडा ध्वस्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ वो आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए कैसे राहुल गांधी हर मंच से पीएम मोदी और अडानी को टारगेट करते हैं। करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम गौतम अडानी से जोड़कर नए अपशब्द कहना शुरू कर दिया। ये बयान सुनिए राहुल गांधी का, फिर आपको बताऊंगा कि आज कोर्ट में जो हुआ वो कैसे राहुल गांधी के अरमानों की धज्जियां उड़ने जैसा है। जब दो जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? तुझे पता होगा भैया, जेब कतरे तुम हो। क्या करते हैं तुम बताओ? जेब कतरो। हाँ, ध्यान, इनको सब पता, हमें तो पता नहीं था। सब जेब कतरे हैं, देखिए सारे जेब कतरे बैठे हैं यहाँ आपके सामने आता है और आपसे कोई ना कोई बातचीत करता है, आपका ध्यान इधर उधर ले जाता है। सब पता है क्या करते हैं, खुद किया हुआ है। पीछे से दूसरा आता है, अच्छा जेब काट लेता है, चला जाता है। कितनी जेबें काटी हैं भैया ये भी बताओ तुमने। मगर जेब कतरा सबसे पहले ध्यान हटाता है। अब आप देखिए, जैसे मैं हटा रहा हूं अपने ऊपर से, सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, जेब कतरे ज्यादा है तुम्हारे जैसे, गरीबी, महंगाई। और 70 साल से तुम थे तो गरीबी क्यों नहीं हटाई थी? अब तुमको याद आ रही गरीबी? आपने कभी टीवी पे देखा है? हाँ देखा है, बस यही पूछो, क्वेश्चन ही पूछता रहता है। राहुल गांधी तो अपनी राजनीति सहूलियत को देखते हुए पीएम मोदी और गौतम अडानी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन जब बात कानूनी मामले की आती है, जांच की आती है, तो फिर राजनीतिक सहूलियत नहीं चलती बॉस, क्योंकि कोर्ट सबूत देखता है। आज हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और आपको सुनना चाहिए कि आज कोर्ट ने क्या कहा, कैसे राहुल गांधी के अरमानों की धज्जियां। कोर्ट में क्या चल रहा था मुझे तो पता ही नहीं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हम लोग अंतिम सत्य नहीं मानते। भाई नेता मानते होंगे, कोर्ट थोड़ी मानेगा, और नेता अपनी सहूलियत से मान रहे हैं। तो आज कोर्ट ने कहा कि हम लोग अंतिम सत्य नहीं मानते हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को, तभी तो हमने सेबी को इस मामले की जांच करने के लिए कहा है। गुड। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसलिए बड़ी है क्योंकि अडानी ग्रुप के खिलाफ जो भी आरोप लगाए वो या तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए या फिर अखबारों के आधार पर लगाए गए। तो इसलिए जो लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरने के नाम पर, गौतम अडानी को घेरने के नाम पर, उन्होंने परम सत्य बता दिया कि हिंडनबर्ग ने कह दिया हो गया खत्म। भाई कोर्ट कह रहा है ऐसा नहीं है, हम अपनी एजेंसियों की मानेंगे और तभी हमने जांच के लिए बोला।
तो पहला तो अरमान वही धुआं धुआं हो गया, माचिस लग गई बात। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और कहा कि आप जो आरोप लगाते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब तक जो भी कार्रवाई की गई है वो हमारे आदेशों पर हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर जांच एजेंसी नोटिस जारी किए बिना ही पूरी जांच को सबके सामने रख दे तो क्या यह पूर्वाग्रह नहीं होगा। याचिकाकर्ता ने हिंडनबर्ग मामले की जांच को सेबी से हटाकर एसआईटी को ट्रांसफर करने की मांग की। इस पर भी चीफ जस्टिस ने कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि सेबी एक विश्वसनीय संस्था है, क्या बिना किसी ठोस सबूत के जांच को सेबी से ट्रांसफर करके एसआईटी को देना कोर्ट के लिए सही होगा? इनके पीछे के कोई कारण तो होना चाहिए ना भाई। आपने कह दिया नहीं सेबी से मत कराइए, एसआईटी से करा ली। कल को एसआईटी करेगी, कहेगी एसआईटी से ना कराइए, सीबीआई से कराइए। ना ना इनसे ना कराइए, उनसे कराइए, नहीं राहुल गांधी से कराइए। विश्वसनीय संस्था को यह नहीं कह सकते कि आप किसी अखबार को एक सोर्स की तरह इस्तेमाल करें, चाहे वो फाइनेंशियल। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी बहुत अहम है क्योंकि राहुल गांधी ने भी हाल में अडानी ग्रुप के खिलाफ जो नए आरोप लगाए थे वो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर ही लगाए थे। विपक्ष मोदी सरकार पर यही आरोप लगाता है कि वो अडानी ग्रुप को बचा रहे, अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच नहीं। जबकि इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने खुद बताया कि इस मामले में कुल 24 केस हैं, जिसमें से 22 केस की जांच सेबी पूरी कर चुकी है। भाई जांच नहीं हो रही तो 24 में 22 केस की जांच कैसे पूरी हो गई? और जहां तक रहे दो केस, तो वो दो केस ऐसे हैं जिसमें फॉरेन रेगुलेटर से जानकारी इकट्ठा करनी है। सुनवाई के आखिरी में सीजेआई ने सभी पक्षों से पूछा कि क्या आप वो कोई और बात कहना चाहते हैं। इस पर एक याचिकाकर्ता ने कहा कि जांच को सेबी से हटाकर एसआईटी या किसी और एक्सपर्ट कमेटी को देना चाहिए। रीजन? एक और पक्ष ने कहा कि हिंडनबर्ग के खिलाफ जांच की मांग करते हैं। एक और पक्ष ने कह दिया कि वो एसबीआई और एलआईसी के खिलाफ जांच की मांग करते हैं। इस पर चीफ जस्टिस भड़क गए, कहा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं बॉस, कोर्टरूम को आपने कॉलेज की डिबेट बना दिया है कि कॉलेज में डिबेट चल रही है। आपको समझना चाहिए कि एसबीआई और एलआईसी के खिलाफ जांच के परिणाम क्या होंगे। आप कोई फैक्ट नहीं दे रहे हैं, आप तथ्य नहीं दे रहे हैं, बस आरोप लगा रहे हैं। कुछ तो जिम्मेदारी रखनी चाहिए, सबूत तो लाओ, याद दिलाना पड़ रहा है बॉस। जैसे हमने पाठशाला में याद दिलाया था कि कम से कम एसबीआई एलआईसी पे बोलने के पहले सोचिए, लाखों करोड़ों लोगों का पैसा है उसमें लगा हुआ। कोर्ट कह रहे सबूत तो दीजिए। हद दी है। जितनी भी स्पीच राहुल गांधी की देखो, उससे उसकी मतलब जो भी थोड़ी बची कुची जो इज्जत होती है वो भी, मैं कहती हूँ वो भी मेरे आंखों के सामने ना कि वो भी कम होती जा रही है। प्रॉब्लम से ये होती है कि जो लोग कम एजुकेटेड हैं वो ये सब बातों को सीरियस ले लेते हैं। प्रॉब्लम ये है, बहुत है, बोल रहे हैं बहुत है ऐसे लोग, अनएजुकेटेड लोग हैं जिनको राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब कचरे को सुने कि उनको लगेगा ये ट्रू है, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो एजुकेशन इज अ बिग प्रॉब्लम कि लोगों को देखना चाहिए कि जो भी ये सब पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं सब बकवास है। बंदा खुद तो कुछ बताता नहीं मेरी अचीवमेंट क्या है, बस जब मुंह खोलता है मोदी जी के अगेंस्ट बोलने के लिए खोलता है, और बोलने का तरीका भी इतना गवारों का तरीका है कि लगता नहीं कि गांधी का जो परिवार है, जो पढ़े लिखे होने चाहिए, उस खानदान से बिलोंग भी करता हो। पॉइंट सबसे बड़ा यही है कि अपनी अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में बोलते कुछ नहीं बोलना, और दूसरों की प्रॉब्लम्स निकालते नहीं, प्रॉब्लम्स भी नहीं, बेइज्जती करनी, और वो भी इस तरह से जिसका कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, चोर करते हैं, गलत बातें करते हैं विदाउट प्रूफ, विदाउट एनीथिंग, खुद अपनी अचीवमेंट को दिखाते नहीं। इतनी डिटेल में जेब कतरे क्या करते हैं इसको पता था भैया, जो हम लोगों को आम इंसान को नहीं पता होगा वो इसको सब पता है। इस कि मीटिंग कैसे का टॉपिक क्या था? जेब कतरा, जेब कतरा, क्योंकि ये लोग जेब कतरे हैं ना, जेब कतरा यही तो करते हैं ये लोग, जेब कतरे तो है। देश का कितना 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 इन्होंने माल खा के बैठे हैं। इन्होंने लोगों को बताया था कि भैया ऐसा है कि जेब कतरे की प्रेजेंटेशन करने वाले हैं आज, हम जेब कतरा क्या काम करते हैं, पॉलिटिक्स हम नहीं करते, जेब कतरे की बात करते हैं हम, ये नहीं बताएंगे आपको हमने क्या किया, हम आपको बताएंगे जेब कतरे। एक्चुअली में जान इन सब की निकली पड़ी है क्योंकि केसों में फंसे पड़े हैं, और इन्हें पता है कि असलियत में ये हैं चोर, और इनके इनके खिलाफ सबूत मिलेंगे, ये फंसेंगे क्योंकि किया है वो काम। तो अब ये सब इकट्ठे होके कि भैया किस तरह से अपनी जान बचाएं,
उनको कुछ नहीं मिल रहा, मोदी जी तो पता ही है कि देश के लिए काम कर रहे हैं, अब उनको कहाँ से हम बोलें कि वो है, तो वो गोलमोल कर रहे हैं और उसमें भी उनको नहीं मिल रहा, वहाँ पे भी हारेंगे। तो चलो अभिषेक अपना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।